फ्रेंड्स देखिए इस चिप्स को, एकदम लग रहा है ना मार्केट जैसे। इसे मैंने घर में बनाया है। आइए इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। पोटैटो चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम बहुत सारा पानी लेकर उसे खौला लेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब इस खौलते हुए पानी में आप जितने आलू का चिप्स बनाना चाहते हैं उतना आलू डालकर ढक दें। 2 से 3 मिनट के लिए ढक के इसे छोड़ देंगे। इसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद हम आलूओं को निकाल कर नॉर्मल पानी में डाल देंगे। ये देखिए मैं आलू को निकाल रही हूँ और इसको मैं नॉर्मल नॉर्मल पानी में डाल रही हूँ। अब हम आलूओं को छील लेंगे। छीलकर उनको एकदम ठंडे पानी में डालेंगे। इस आइसी कोल्ड वाटर में हम आलूओं को डुबा लेंगे। सभी आलूओं को छीलकर बर्फ वाले पानी में डुबाकर छोड़ दें। ये फिटकरी है, यहाँ पे मैंने 8 ग्राम फिटकरी लिया है और उसको मैं गर्म पानी में डालकर मिक्स कर ली हूँ और अब इसे मैं ये छिले हुए आलूओं के साथ वाले पानी में मिला रही हूँ। अब ये हम स्लाइसर लेके देखिए आलूओं के एकदम पतले पतले स्लाइसेस निकाल लेंगे। एकदम पतले स्लाइसेस हमको निकालने हैं। देखिए ये इतने पतले हैं। देखिए इस पानी में बहुत सारा स्टार्च निकल गया है। अब हम पानी चेंज कर देंगे। हम आलूओं को एक बाउल से दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे आलूओं के स्लाइसेस को। आलूओं के स्लाइसेस में बहुत सारा पानी भरकर इसे मैं फ्रीज़र में डाल रही हूँ। बस आलू को हमें बहुत ज़्यादा ठंडा करना है, एकदम ठंडे हो जाने चाहिए। इसमें मुझे 35 मिनट लगे हैं। बर्फ़ बिल्कुल नहीं जमनी चाहिए आलू में, बस ठंडा होना चाहिए। हो गए हैं, अब मैं इसे निकाल ली। अब ये एक किचन टॉवल में हम इस तरह से आलू जो स्लाइस हैं, आलू के स्लाइस हैं, उसको ऐसे दबा दबा कर हम इसको इसका पानी जो है वो सोख लेंगे। ठंडे पानी से निकाल निकाल कर जितना हम एक बार में फ्राई करेंगे उतने आलू को सुखाते जाएं और सीधे तेल में डालते जाएं। आलू जो है वो ठंडे रहेंगे तभी चिप्स अच्छे बनेंगे। बस इन ठंडे आलूओं को पानी सुखाकर हमें देखिए मीडियम गर्म तेल में हम इसे डालकर तल लेंगे। ये बहुत जल्दी जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बहुत आसानी से बन जाते हैं और एकदम ही मार्केट के ही जैसा इनका टेस्ट रहता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इसको। ये देखिए मेरे आलू चिप्स तल चुके हैं, मैं इसे निकाल रही हूँ। देखिए कितने अच्छे वाइट बने हैं। और फिर से ये और मैं डाल के दिखा रही हूँ आपको। कढ़ाई में बहुत सारा तेल डालकर एक बार में बहुत सारे चिप्स सुखाकर हम तल सकते हैं। ये हो चुके हैं आलू, अब इनको निकाल रही हूँ मैं। ये देखिए कितने वाइट बने हैं और कितने क्रिस्पी बने हैं एकदम। ये देखिए पूरे मार्केट के जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए मैंने पूरे चिप्स तल लिए हैं। देखिए कितने अच्छे सूखे सूखे और वाइट वाइट बने हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून चीज़ पाउडर लिया है, इसे मैंने घर में बनाया है। और 1 टीस्पून धनिया पत्ती का सूखा धनिया पत्ती लिया है जिसको मैंने माइक्रोवेव में सूखा लिया था, फ्रेश धनिया पत्ती को। और 2 पिंच नमक लिया है और 1 पिंच चीनी का पाउडर लिया है और 1 पिंच साइट्रिक एसिड डाला है और 1 पिंच ब्लैक पेपर का पाउडर डाला है। सबको मिलाकर मैं गर्म चिप्स के ऊपर डाल रही हूँ। गर्म चिप्स के ऊपर डालने से वो उसमें चिपक जाएंगे। बस ऐसे ही चिप्स आप भी बनाइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।